सो गाइस यार हम लोग अब सीधे स्टूडियो आ गए यार, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आज बाहर। और ये मैंने कुछ शर्ट्स जो है ये चूज़ करी हैं, और यार मैं घर पे माइक भी भूल गया हूँ आज अपना, तो अगर आप लोग को थोड़ी आवाज़ मेरे को मतलब कम आ रही हो तो थोड़ा आज एडजस्ट करना। तो यार ये मैंने शर्ट लिया, अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने चूज़ करी है शर्ट, हाँ दीदी ने चूज़ करी है, अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसमें शूज़ भी ले रखे हैं, शूज़ भी ले रखे हैं, वो भी ज़रूर दिखाऊँगा अभी आपको। रश बहुत था ना बाज़ार में, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो गाइस यार मैं अपनी एक ग्रे जीन्स है ना उसके ऊपर ये वाली शर्ट पहनूंगा, तो एक बार वो भी हम ले लेते हैं। ग्रे जीन्स यार ऐसी वो आदित्य ने देखी थी यार मेरे लिए। आदित्य को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं आदित्य को मिस नहीं कर रहा हूँ, वो पागलपन करती रहती है। चलो ये लेकिन हम थोड़ी लाइट थी और मैं डार्क नहीं पहनूंगा। फाइनली ही गेट इट भैया मेरे क्या इसे ये नहीं पता है कि इसका साइज कौन सा है। अबे भाई यार ये वाला आ जाएगा, जहाँ तक मैं ट्राई करके देख ले रहा हूँ। कौन लेता है तुम्हारे कपड़े? नाम बताई दो, रिवील कर दो। अरे वो नहीं तो भाई साहब इसे ट्रायल लेने गया है, अब देखते हैं क्या कैसा लगता है इसको। सही लग रहा है, सही लग रहा है। साइज थोड़ा गाइस तो बात ऐसी है कि कल हम लोग को जाना है हमारे मामी के, हमारी मामी का कोई फंक्शन है तो हम लोग हल्द्वानी जा रहे हैं कल, तो उसके लिए ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग यार बताओ, दीदी को तो अच्छी लग नहीं रही है, और कोई क्या करते हैं? सही से पहनना भाई, बैठा रहे यार इधर, अच्छी लग रही है मुझे, अच्छी लग रही है। थोड़ा सा फोल्ड वगैरह करके अंदर टक करके लाइटिंग अच्छी क्यों नहीं आ रही है? अंदर को जाओ ट्रायल रूम के, पास ट्रायल रूम के अंदर अंदर टक अप करें, अब आप पीछे जाओ थोड़ा। यार अच्छी लग रही है मुझे, बहुत मस्त लग रही है। गाइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग ये वाली अच्छी लग रही है या हम और कोई चूज करें। तो एक बार लाइटिंग में तो जा अंदर, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ऐसी ले ली अब ऐसे चलते हैं पहन के, वो वाले छोड़ दो। दीदी बेचारी भाई रिकॉर्ड करते हुए चल रही है, आ जाओ भाई। मैंने ना नई शर्ट से कैमरा भी साफ कर लिया यार, ये आ गई अब यहाँ से, ये वाली ली थी हमने यार, अच्छी तो लग रही है, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा डार्क कलर ले लेंगे। नहीं यार मस्त लग रही है, बढ़िया लग रही है। इसके पास हर कलर डार्क है, जैसे कि ब्लैक कलर है उसके पास, अभी एक प्लेन वाइट शर्ट है बस। चेक में तो यार थोड़ा ओल्ड लगेगा ना, ओल्ड फैशन है जी, न्यू लुक ही चल भी रहा है। लो अभी पकड़ो मैं देखता हूँ, और फिर भी देखने में भाई चांद आपकी क्या, आपको मतलब आप और कोई दिखवा दो यार मुझे, देखती हूँ। सो गाइस यार अब दीदी दिखाएंगी मेरे लिए कोई, अब जो दीदी चूज करेंगी ना, अच्छा ये दीदी की फाइनल चॉइस है, अब देखते हैं और कोई। ये तो अच्छी नहीं है,
ऐसे ही ग्रीन भी अच्छी लग रही थी। ये हाफ पेन है ना, वो ये कैसी लगेगी ये वाली, लेकिन ये इस पर अच्छी नहीं लगेगी। हाँ ये भी छोटी हो गई है, डेनिम लुक पे। अरे नहीं यार, इसमें की है मेरे पास। गाइस यार, जो मैं ब्लैक वाली शर्ट पहनता हूँ आप लोगों ने देखी ही होगी, ये बिल्कुल वैसा ही इसका फैब्रिक है। ओए वो भी तो लगे हैं ना शर्ट्स, वो ऐसा लग रहा है। अरे इस टाइप की यार, इस टाइप की चाहिए मुझे, इस टाइप ये जैसे ये है इस टाइप की। यार इसे पापा जैसी शर्ट चाहिए, हमको ऐसी कहाँ मिलेगी यार। पापा ऐसी नहीं, अरे हाँ यार ये इसका कपड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है, इससे अच्छी है ये वाली। वो तुझे पसंद नहीं आई तो फिर रिप्लेस भी हुई। कल फंक्शन में जाना वाला रिप्लेस। मैं डार्क ब्लू कह रही थी तेरे लिए। अच्छी तो लग रही है। ये पहन के देख ले, ट्राई कर ले। लो आप ये पकड़ो, मैं पहले वो तो देख लूं। रेड देखूं एक बार, रेड। गाइस ऐसे दूल्हा बनना है लग रहा है अभी। ये रेड पहनेगा। 42 है, 40 है, 40 है, 40 क्या सारे 40 है। मैं थोड़ा छोटा साइज खत्म। ये आ जाएगा पहला साइज। अरे आ जाएगा, ये बड़ा है ना थोड़ा। तो ये बड़े लोगों के लिए शर्ट है। यहाँ पे बड़ा नहीं है, उधर ब्लू है, डार्क ब्लू है, पीछे वाइट के पीछे ब्लू। 42 है। पापा के साइज की है सारी। गाइस तो यार यहाँ पे तो सारे से पापा के साइज की शर्ट्स आ गई। यार ये मस्त लग रही है तेरे ऊपर ये वाली टी शर्ट। इसमें एक बार मैं फिर से देख ले रहा हूँ। ऐसे लग रहा है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। गाइस तो यार जो शर्ट थी ना वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बट दीदी को पसंद आ रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। हाँ मतलब पसंद आ रही थी, ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो यार हम लोग ने सोचा और कहीं से यहाँ से जाके जूडियो में मेरे को ना थोड़ी, अब जैसे इस टाइप की मैं पहना हुआ हूँ जो थोड़ा टाइट वगैरह आती है, अगर मैं छोटा साइज भी ले लूँ बट जो उसका फैब्रिक है वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो यार अभी हम लोग कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे ट्राई करेंगे। तो यार अब दीदी अपने लिए इयर रिंग्स देख रहे हैं। ये इयर रिंग्स है ना दीदी? हाँ। तो भाई मुझे आपको ये पसंद आ रहे हैं क्या? मेरा पेपर था तो मैं इयर रिंग्स लेना ही भूल गई हूँ, और परसों फंक्शन है। भाई आप लोगों ने जैसे सुना कि बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, उनका पेपर था और परसों फंक्शन है। मेरे पास इयररिंग्स नहीं। इयररिंग्स नहीं, बताओ यार, बड़ा बुरा लगा मुझे सुन के। ओके तो ये वाले इयररिंग्स ले लिए दीदी ने, चलो कुछ तो लिया हम लोगों ने। चलो भाई मैंने ये देखा है जूडियो में, मैं जितनी बार आया हूँ मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें ऐसी होती हैं जो पसंद आती हैं बट ज़्यादा नहीं। तो यार अब जल्दी से यहाँ पे बिलिंग करवाते हैं और देन चलते हैं। कहाँ पे लेना आप, कहाँ चलना आप? हाँ तो यार अब देखते हैं वी मार्ट से जाके, अगर मुझे शर्ट पसंद आ गई वहाँ देखते हैं, वरना हम लोग सीधे जाएंगे फिनिक्स है ना। ये हमने बस छोटे से इयर रिंग्स लिए और दीदी मुझसे बोल रही आपको कैरी बैग चाहिए। मैंने मतलब कुछ तो सोच समझ के बोलो, मैं कैरी बैग इसके लिए लूँगा। कौन सी वाली दीदी बोल रही है ये तो बता दे। भाई जो मतलब जो बिलिंग कर रही थी ना उन, वो मेरे से बोल रही कैरी बैग चाहिए। शॉपिंग करा दे, क्या लेना बताओ आपको, सब ले घर पहुंच जाएगा आ जाओ। तो भाई हम लोग आ गए धूप में मस्त अपना बाहर। अब यार मेरी फोन में चार्जिंग है 4%। हाँ यार आज फोन में चार्जिंग भी बहुत है, क्योंकि आज ब्लॉगिंग के मूड से बिल्कुल नहीं निकले थे हम लोग, और इसलिए माइक भी नहीं लाया हूँ मैं। तो अब देखते हैं कब तक चलता है फोन, वरना आपको सीधे मिलेंगे हम लोग घर पर, और जो जो सामान लिया सब आपको दिखाएंगे। गाइस तो यार अब हम लोग को भूख लग रही थी तो हम लोग टिप्स आ गए, हमने पनीर पैटी और दीदी समोसा खा रही है। भाई इतनी मुश्किल से पेमेंट कराया क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं है बिल्कुल, और कैश लेके नहीं आए। गाइस यार दीदी और मैं घर पे आ गए और हम लोग के फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी, और हम लोगों ने जो है शर्ट भी ले ली है मेरे लिए जो कि है इसमें, वो आप लोग को कल दिखाऊंगा। इसने मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं रखी भाई, वो मुझे नहीं आ रही थी पसंद, अच्छी लग रही थी। हाँ अच्छी तो लग रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं अल्फा,
अल्फा पार्लर जा रहे हैं, हमें भी मतलब ऐसे डिटेल करना है। पार्लर नहीं है वो, मैं पार्लर पे जाऊंगा, सैलून है। हाँ तो भाई मेरे को अपना थोड़ा हेयर कट वगैरह करवाना है और डिटेनिंग करवानी है जो भी है, तो चलते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अल्फा यूनिसेक्स सैलून में, चलो। और भाई हमने यहाँ का ना 1100 का पैकेज ले लिया है, जिसमें मैं आपको सर्विसेज सारी दिखा दूँगा। तो गाइस यार अभी तो ना मैं इन भैया से जो पीछे कर रहे हैं ना, ये फ्री हो जाएंगे तभी इनसे करवाऊंगा, क्योंकि मैं हर बार अपनी हेयर कटिंग और सब इनसे करवाता हूँ। भाई दीदी क्या कर रही है? वेट कर रही हूँ इसके बाद। अभी इसके बाद दीदी का भी इंतजार है यार, मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी और ये मैं हटा रहा हूँ। तो भाई मेरे को अपनी बियर्ड सेट करवानी है और हेयर कटिंग करवानी है और डिटेनिंग करवानी है ना। इस चोट के पीछे एक हिस्ट्री है, वो बताना चाहो? यार इनसे लड़ाई हो गई थी, उधर हो जाओ तो अच्छे से थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ मैं। तो भाई इनसे दीदी से मेरी लड़ाई हो गई थी, वो भी बहुत छोटी सी बात पे। लेकिन मैंने नहीं मारा, ये मम्मी ने मार दिया था यार मेरे, मतलब मम्मी ने मारा नहीं था, उनका हाथ लग गया था, वरना मम्मी बहुत कम मारती हैं। यहाँ मैं 21 साल का हूँ, मम्मी क्यों मारेंगी मुझे? क्यों नहीं मारेंगी? हाँ तो ऐसा ही सीन था कुछ कि मम्मी का ये नाखून लग गया यहाँ पे, ये हट नहीं रहा है। तो यार आप लोग देख सकते हो भाई, भैया भाई इनसे करवाया है, देखते हैं भाई। टैनिंग बहुत हो रही थी और ब्लैक हेड भी बहुत हो गए थे। और यार कल हम लोग को जाना भी है बाहर, इसलिए सबकी जरूरत पड़ रही है, वरना तो भाई मैं कभी करवाता नहीं हूँ। तो यार अब सीधे वॉश करते हैं फिर बात करते हैं।
गाइस फाइनली यार आप लोग देख सकते हो गया कंप्लीट पूरा। आँखों में थोड़ी मिर्ची लग रही है, पता नहीं क्यों पानी आ रहा है बाहर आँखों से। बाल वगैरह सब रेडी हो गए। भाई कमेंट सेक्शन में बताना आप कैसे लग रहा है मेरा बाल। भाई फेस भी बहुत ज़्यादा एकदम क्लीन हो गया, ब्लैक हेड वगैरह थे ना वो निकल गए, ज़्यादा नहीं थे बट थे जितने भी वो निकल गए सारे। पीछे से देखते हैं